सूजी का चटपटा नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक बाउल में आधे बाउल से ज़्यादा सूजी ली है। आप चाहें तो मोटी या पतली कैसी भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे एक मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है। इसे हम बिल्कुल बारीक पीस कर आटा बना लेंगे। ये आधा चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। एक आटे के फॉर्म में पीस लिया है। ये दिखने में आपको चावल के आटे जैसा लगेगा। अब इसे हमने एक परात में डाल लिया है। इसे हम अब पानी डालकर आटा गूंदेंगे। इसमें हमने ऑयल, घी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सिंपल हमने इसमें पानी लिया है। सूजी पानी थोड़ा ज़्यादा पीती है तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इसे हमने गीला नहीं बनाना है। समोसे बनाते वक्त जैसे हम मैदे का आटा बिल्कुल सख्त गूंदते हैं, बस वैसे ही हमें इस सूजी का नाश्ता बनाने के लिए इसके आटे को उसी फॉर्म में गूंथना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और इसे अच्छे से गूंथेंगे जब तक ये थोड़ा सख्त और मुलायम ना हो जाए। अब इस आटे को एक गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब देखते हैं, आटा बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे थोड़ा सा और अच्छे से मसल लेंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैं कोई घी या ऑयल नहीं लगा रही हूँ। इसे अच्छे से दो हिस्सों में बराबर बांट लेंगे और इस पोर्शन को भी बराबर दो हिस्सों में बांट लेंगे इस तरीके से। अब इसे बेलना शुरू करेंगे। बेलते टाइम भी मैंने कोई ऑयल या घी इसमें यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली ये आराम से बेल सकते हैं इसे और ये चिपकेगा भी नहीं। अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा बेलेंगे और फिर इसे इसके ऊपर ऐसे रख देंगे एक और ऐसे करके। अब इन्हें एक साथ हमें बेलना है। ये पूरी तरह से हमने बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। इसकी कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं इसे डायमंड शेप में काटूंगी। इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। ये देखिए, अब एक कढ़ाई में मैं तेल गरम करने के लिए रख दूंगी। तेल हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है, इसे मीडियम या ठंडा नहीं रखना। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें मैं बाकी के सारे सूजी के बने हुए हमारे पीसेस ऐड कर दूंगी। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसी तरीके से फ्राई करना है। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं बनाना वरना ये कड़वे लगेंगे। ये देखिए, इसे हल्का ब्राउन हमें होने तक फ्राई करना है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब एक दूसरे बर्तन में मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी और नमक ऐड किया है। अब उन्हें इस बर्तन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ धनिया और नींबू भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैं देखिए, बाकी बचे हुए पीसेस को भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। तैयार है हमारा सूजी का चटपटा नाश्ता। बाहर की चीज़ें खाने के बजाय आप इसे इवनिंग स्नैक्स में घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ शिकायत करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलूंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।